आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सिरमौर थाना पुलिस ने बदमाशों की एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बरदहा घाटी से हथियार बंद बदमाशों की गैंग को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई यह गैंग सिरमौर में ही संचालित मिश्रा पेट्रोल पंप में डकैती डालने की योजना बना रही थी। पुलिस ने गैंग के 5 मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से देसी कट्टा, रिवॉल्वर व राइफल सहित धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। दरअसल यह कार्रवाई एसपी राकेश सिंह के निर्देश में सिरमौर थाना प्रभारी शैल यादव ने की है। थाना प्रभारी शैल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाशों की एक गैंग बरदहा घाटी में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना तैयार कर रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने एसपी के निर्देश पर 3 अलग अलग टीमें गठित कर बरदहा घाटी में घेराबंदी की और बदमाशों की गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश सिरमौर में संचालित मिश्रा पेट्रोल पंप में डकैती डालने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके मंसूबों में पानी फेर दिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गए गैंग में रीवा के नामचीन अपराधियों में शामिल विरोध पांडे निवासी अकौरी नईगढ़ी सहित बबलू उर्फ राम बल्लभ त्रिपाठी निवासी ग्राम गहनौवा सिरमौर, उमेश तिवारी निवासी सुरसा रायपुर करजुलियान, सुदामा द्विवेदी निवासी बदराव गौतमान सिरमौर सहित संतोष शुक्ला निवासी पलिया थाना लौर शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा व 2 कारतूस, 1 6 राउंड रिवॉल्वर लोडेड, 1-2 नाली राइफल सहित धारदार हथियार बरामद किए हैं। बदमाशों की इस गैंग को पकड़ने में सिरमौर थाना प्रभारी शैल यादव, उपनिरीक्षक विंधेश्वरी, सहायक उपनिरीक्षक राजवृंद सिंह, प्रधान आरक्षक मिथिला प्रसाद द्विवेदी, भागवत मिश्रा, कमलेश्वर पांडे, आरक्षक नितिन शुक्ला, सत्य प्रकाश, राजकमल पटेल, पुष्पराज पाल व शिवेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कल दोपहर लगभग 2 बजे की बात है, मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि बरदहा घाटी के पास बल्लू गहनौवा और विनोद पांडे अपने साथियों के साथ डकैती की योजना बना रहे हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने हेतु थाना प्रभारी सिरमौर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। मौके पर जाकर घेराबंदी कर विनोद पांडे और राम बल्लभ उर्फ बल्लू त्रिपाठी गहनौवा को और उसके अन्य 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जामा तलाशी ली गई तो राम बल्लभ उर्फ बल्लू त्रिपाठी के पास से 1 लोहे का देसी कट्टा प्लस 2 कारतूस और उसके साथ ही कार MP17CA 8728 जब्त की गई। इसी प्रकार विनोद पांडे से 1 नग सिक्सर रिवॉल्वर, 2 नग कारतूस जब्त किए गए। सुदामा द्विवेदी से 2 नाली राइफल, 2 कारतूस जब्त किए गए। संतोष शुक्ला से लोहे का धारदार चाकू जब्त किया गया। उमेश तिवारी से लोहे का हसिया नुमा धारदार हथियार जब्त किया गया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।